जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माँ का एक ऐसा परम पावन स्तोत्र कि जिसको सुनने मात्र से करोड़ों तीर्थों के सेवन का पुण्यफल एक क्षण में मिल जाता है। और विशेष रूप से एकादशी के दिन इस कथा का पाठ करना ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो वो कथा आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, इससे भगवान की आपके ऊपर अनंत कृपा होगी। तो ये कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुनाने जा रहे हैं। ये कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री जया एकादशी महात्म्य की जय। बोल तुलसी महारानी की जय। श्री पद्म पुराण के अनुसार आज सब ब्राह्मण व्यास जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को सदा ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ पर कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी है। शिष्यों ने कहा है कि हे नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। आज शतानंद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। अर्थात जिसके घर में कलयुग में तुलसी जी का परम सुंदर पौधा होता है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को सदा ही प्रिय है, जिसके घर में तुलसी जी का पौधा लगा होता है उसका यमराज कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे शिष्यगण, तुलसी दल को चुनते समय इस भाव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और भगवान केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए आपके पत्तों को चुनता हूँ, आप मेरे लिए वरदायिनी बनो। आपके श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि भगवान का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, आप कलिमल का नाश करने वाली हो। हे शिष्यों, इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल अधिक होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी आपके प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी आपके प्रभाव को नहीं जानते, केवल भगवान श्री विष्णु ही आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय शीर समुद्र के मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ था उस समय श्री हरि विष्णु भगवान के आनंद अंश से आपका प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने आपको अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं ऐसी कृपा करो, जिससे मैं बिना किसी विघ्न के परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र महाराज ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर आपको लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने आपका ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने आपको लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए आपका सेवन किया था।
हे तुलसी देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, आपको मेरा नमस्कार हो। धर्मारण्य गया जी में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता माता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसका सिंचन किया था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापनी कहा गया है, ठीक उसी प्रकार तुलसी देवी जी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और, हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी एक क्षण में दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। हे देवी तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार श्री शतानंद जी महाराज ने अपने सब शिष्यों को तुलसी जी का यह परम पावन स्तोत्र सुनाया है। इसके पश्चात वो कहने लगे हैं कि हे शिष्यगण, जो मनुष्य एकादशी के दिन इस तुलसी स्तोत्र का पूरी श्रद्धा भावना से पाठ करता है या सुनता है, भगवान श्री विष्णु जी की उन पर अनंत कृपा होती है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब इस तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और शांति प्रदान करते हैं। जिसके घर में तुलसी स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री महालक्ष्मी माँ की उस घर पर अनंत कृपा होती है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी भी योग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म की राह पर नहीं चलती। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जिसने एकादशी की रात्रि में इस तुलसी स्तोत्र का पाठ कर लिया, उसको करोड़ों तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल मिलता है। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अनुसार माँ तुलसी के इस पावन स्तोत्र की कथा को आपने सुना। आपसे निवेदन है कि जब भी इस कथा को आप सुने, बारंबार सुने, पूरी श्रद्धा भावना से सुने, आपको आनंद आएगा और इस स्तोत्र को सुनने मात्र से करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल मिलता है। यह तो स्पष्ट श्री पद्म पुराण में कहा गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की तुलसी महारानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री जया एकादशी व्रत की, जय तुलसी महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।